नमस्कार, मैं हूं सौम्य राठी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में साइबर अपराध के मामले लगातार सामने आते रहते हैं, लेकिन इस वक्त बिहार की राजधानी पटना से एक ऐसा मामला आया है जो आपको चौंका देगा। जी हां, बिहार की राजधानी पटना में साइबर अपराध धड़ल्ले से हो रहा था। एक साइबर अपराधियों का गिरोह जिसने 200 बैंक अकाउंट को किराए पर ले रखा था, करीब 50 लाख की लूट, 50 लाख का फ्रॉड इतने आसानी से कर गए जैसे कि कोई बड़ी बात ही ना हो। लेकिन पुलिस ने इन अपराधियों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। कुछ लोग अभी फरार चल रहे हैं, लेकिन पुलिस उनके लिए भी अब छापेमारी अभियान चला रही है और उन लोगों को भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। और जो अपराधी इस वक्त पकड़े जा चुके हैं, जो पुलिस की गिरफ्त में है, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसमें से एक अपराधी मुन्ना ने इस तरीके से साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया है कि पटना में करीब 60 एटीएम का कार्ड का इस्तेमाल करके हर रोज 1.5 लाख रुपए दूसरे के अकाउंट से वो उड़ा ले जा रहे थे। साथ ही साथ एक बड़ी चौंकाने वाली बात भी ये है कि पुलिस के इंटेरोगेशन के दौरान जो उस मुन्ना का जिक्र किया जा रहा है, उनका बार बार ये कहना था कि रेलवे के ग्रुप डी में उसकी नौकरी लग गई है और पुलिस से वो ये विनती भी कर रहा था कि अगर पुलिस उसे छोड़ देती है, इस चीज़ के लिए उसे सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता है, तो ना केवल वो पुलिस को कुछ रकम देने के लिए तैयार है बल्कि वो ये धंधा भी छोड़ देगा। इस तरीके से लाखों की लूट को जो अंजाम दे रहे हैं वो उसे भी छोड़ देगा। पूरी खबर क्या है, ये मामला उजागर कैसे हुआ, आप सब कुछ विस्तार में जानिए। ये मामला पत्रकार नगर थाने से सामने आया है, जहां पर पुलिस ने साइबर अपराधियों के एक गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। हर दिन 60 एटीएम क्रेडिट कार्ड से पटना में घूम घूम कर ये गिरोह हर माह करीब 50 लाख रुपए उड़ा ले जाता था, यानी कि हर दिन 1.5 लाख से ऊपर की रकम दूसरे के खाते से उड़ा ली जा रही थी। गिरोह में शामिल शातिर बेलछी के सिकंदरा गाँव निवासी मुन्ना को तो पुलिस ने हार्ट हॉस्पिटल के पास से गिरफ्तार कर लिया है, पर उसके गिरोह का सरगना नालंदा के अस्थावा का शिव शंकर उर्फ शंभुनाथ पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। शिव शंकर के गिरोह में 10 साइबर अपराधी शामिल है। पुलिस ने मुन्ना, शिव शंकर, शशिकांत और पटेल पर FIR भी दर्ज कर दी है। मुन्ना को छोड़कर सभी नालंदा के अस्थावा के पचेतन गांव के हैं। मुन्ना के बैग से पुलिस ने 1.5 लाख नकद के अलावा कई बैंकों के करीब 60 ATM और क्रेडिट कार्ड बरामद किए हैं। शिवशंकर भी मुन्ना के साथ वहीं पर थे, लेकिन वो बाइक से फरार होने में कामयाब हो गए। पूछताछ में मुन्ना ने बताया कि सरगना शिवशंकर के पास भी लगभग 100 ATM और क्रेडिट कार्ड हैं। खास बात यह है कि शिवशंकर ने साल भर पहले इसी गोरख धंधे से बाईपास में छोटी पहाड़ी के पास 1 करोड़ रुपए में इकट्ठा जमीन भी खरीदी है और अब इसे जब्त करने की तैयारियां चल रही है। मौके से गिरफ्तार मुन्ना कुमार ग्रेजुएशन कर चुका है और पिछले 4 साल से शिवशंकर के साथ साइबर फ्रॉड का काम कर रहा है। फिलहाल मुन्ना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हाल ही में मुन्ना ने रेलवे के ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर कर लिया है और मेडिकल होना बाकी है। और इंटेरोगेशन के दौरान, पूछताछ के दौरान मुन्ना ने न केवल पुलिस से ये कहा कि नौकरी के लिए उसे सलाखों के पीछे ना डाला जाए, बल्कि पुलिस को ये तक कह दिया कि उन्हें वो कुछ पैसे भी दे देगा ताकि उसे सलाखों के पीछे ना डाला जाए। पुलिस को घूस तक देने की उसने बात कर दी है। छानबीन के दौरान ये पता चला है कि शातिरों के पास 500 से अधिक बैंक अकाउंट और उसका ATM और क्रेडिट कार्ड भी है। शातिरों ने लगभग 200 खाते को किराए पर लिया है, तो वही शेष खाता और दूसरे लोगों के फर्जी तरीके से जुगाड़े गए आधार कार्ड और आवासीय प्रूफ पर भी खुलासा हुआ है। इन खातों में ही ठगी का पैसा आता है। अब पुलिस इस बात पर काम कर रही है कि इन शातिरों के पास लोगों के मोबाइल नंबर और अन्य कागजात आखिरकार किस तरीके से पहुंच रहे हैं। जांच में ये भी पता चला है कि गिरोह का एक शातिर गांव के सिम विक्रेता के संपर्क में रहता है, उसे मोटी रकम देकर वो नंबर और नाम ले लेता है, तो वहीं दूसरा शातिर फोटो स्टेट करने वाले दुकानदारों को पैसे का प्रलोभन देकर जरूरी कागजात खरीद लेता है। जिस तरीके से ये मामला सामने आया है वो कई पहलुओं पर चौंका देने वाला है, क्योंकि ना केवल यहाँ पर साइबर फ्रॉड किया जा रहा है, लेकिन लोगों की जो प्राइवेसी है वो भी बड़े खतरे में आ चुकी है। जिस तरीके से उनके आधार कार्ड, उनके बैंक अकाउंट की डिटेल्स लोग कुछ दुकानदारों को एक मोटी रकम देकर वसूल कर ले रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या जांच पड़ताल होती है, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। आप तमाम वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।